अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने लोड और अनलोड कर लिया था तो हम आ गए थे लाइन में आगे, रास्ता था वह बंद। बोला था कि आज छोड़ेंगे, अपडेट आई थी, लेकिन अभी तक हमें छोड़ा नहीं। हमें नाके पे इधर ही लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब छोड़ेंगे। अभी बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, यहाँ भी दिखाता हूँ लाइन, देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ से। आगे से जखैनी तो ओपन कर दिया, अभी हमें नहीं छोड़ा यहाँ से। ये हमारे आगे चार गाड़ी खड़ी हैं बस, तो पता नहीं कब तक छोड़ेंगे। रखी हमने गाड़ी, छोड़ दी है कानवाई। अभी हम पहुँच चुके हैं उधमपुर में, देख सकते हैं आप उधमपुर का व्यू। ये जो सामने दिख रहा है ये मार्केट एरिया, ये उधमपुर है। अभी जा रहे हैं हम जखानी की तरफ। लगे हम जखानी, जखानी यहाँ से थोड़ा ये भी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा जखानी नाका, पार करते हैं फिर कानवाई हो जाएगी। तो हो चुका है हमारा जखानी नाका पार। अभी हम चल रहे हैं जाम है, लेकिन बहुत हद से ज़्यादा अभी पता नहीं किस बात का जाम है। आगे देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन लगी है, स्लो मूवमेंट है बिल्कुल ही वो आगे से। पहुंच चुके हैं हम नासरी नाके का जाम है यहाँ पे। नासरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ये इंडिया की सबसे लंबी टनल नासरी चनैनी, देख सकते हैं आप इसका व्यू अभी का। ये अंदर से ऐसी है, ये वाला टनल है जो ये पीड़ा से चंद्रकोट की तरफ टनल, इसे भी काफ़ी सफ़र बच जाएगा। और रास्ता भी ये ऊपर से सिंगल है ख़राब, तो इसकी वजह से इस ये टनल छोड़ा तो बहुत आसान नहीं हो जाएगी रास्ते की, और जाम भी नहीं लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी देर, इसको थोड़ी टाइम लगेगा। इसका 31 मार्च का बोला है छोड़ने का, देखते हैं कब तक छोड़ेंगे। इसकी वजह से भी बहुत रास्ता आसान हो जाएगा। अभी हम आए इस रोड से जो सामने देख, वहाँ से आए हम, यहाँ से वापस आ गए इधर, इसको कहते हैं पीड़ा। अभी हमें पीड़ा में इधर लग चुका है जाम। ये जैसे आप देख रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं जिस रास्ते से, इसके ऊपर वाला रास्ता है जो अभी इस पर कोई गाड़ी नहीं चल रही है, ये टनल का रास्ता। अभी इसको 31 मार्च के बाद ही छोड़ेंगे टनल को, तो उसके बाद उसी रास्ते से आना जाना पड़ेगा। तो ये वाला रास्ता कैंसिल ही, कैंसिल तो नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन गाड़ियाँ वहीं से आएँगी जाएँगी तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। वैसे